हेलो दोस्तों, टेक इन फॉर चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिक होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 5G मोबाइल का कंपैरिजन, जिसमें से पहला मोबाइल है जो कि रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G, जिसको 26 मई 2022 से मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। ऑन दी अदर हैंड हमारा है रेडमी का रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G मोबाइल, जिसको इसी साल 2022 को मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो अंत तक बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा दोनों ही मोबाइल के प्राइसेस, स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स अलॉन्ग विद माय फाइनल वेटिंग। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G वर्सेस रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक इन्फोजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G का थिकनेस है 7.99 mm, वेट है 181 ग्राम और साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर कीज देखने को मिलती है। ऑन दी अदर हैंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G का थिकनेस है 7.6 mm, वेट है 202 ग्राम और साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर कीज देखने को मिलती है। यहाँ पे देखा जाए तो रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G थोड़ा सा थिन है, लेकिन हैवी है एज कम्पेयर टू रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G टू कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, हाइपर ब्लू एंड हाइपर ब्लैक। वहीं पे रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G थ्री कलर ऑप्शन में मार्केट में अवेलेबल है, फैंटम व्हाइट, मिराज ब्लू एंड स्टील ब्लैक। अब देखते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले डिटेल्स। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G का डिस्प्ले साइज है 6.4 इंचेस, रिजोल्यूशन FHD प्लस सुपर एमोलाइड पंच होल डिस्प्ले, जिसका डिस्प्ले ब्राइटनेस कंपनी ने मेंशन नहीं किया है और रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। ऑन दी अदर हैंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G का डिस्प्ले साइज है 6.67 इंचेस, रिजोल्यूशन FHD प्लस एमोलाइड डॉट पंच होल डिस्प्ले, जिसका डिस्प्ले ब्राइटनेस है 1200 nits और रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। यहाँ पे बात साफ साफ है कि रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G डिस्प्ले के हिसाब से आगे है एज कम्पेयर टू रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G। आगे बढ़ते और देखते हैं बैटरी डिटेल्स। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G 5000 mAh बैटरी के साथ आता है अलॉन्ग विद 33W डार्ट चार्जर, और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G भी 5000 mAh बैटरी के साथ ही आता है, लेकिन यहाँ पे हमें 67W का टर्बो चार्जर प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G को एज कम्पेयर टू रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G। नाउ बॉडी डिटेल्स। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G प्लास्टिक बॉडी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, जिसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है अलॉन्ग विद साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड किया गया है। नाउ हार्ट ऑफ द मोबाइल हार्डवेयर। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G 2.5 GHz 6nm ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका अंतत स्कोर है 4.96 लाख प्लस। ऑन दी अदर हैंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G 2.2 GHz 6nm ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका अंतत स्कोर है 4.0 लाख प्लस। यहाँ पे देखा जाए तो हार्डवेयर के हिसाब से रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G थोड़ा आगे है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G, तो यहाँ पे गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में। नाउ सॉफ्टवेयर। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में हमें एंड्रॉइड 12 रियलमी UI 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड की गई है। ऑन दी अदर हैंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में हमें एंड्रॉइड 11 MIUI 13.0 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलती है। एंड्रॉइड 12 इज अ प्लस पॉइंट फॉर रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G। सिम एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है अलॉन्ग विद USB टाइप सी, UFS 2.2, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, 3.5 mm ऑडियो जैक, वाईफाई हॉटस्पॉट एंड ड्यूल स्पीकर्स। ऑन दी अदर हैंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G भी हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ ही आता है अलॉन्ग विद USB टाइप सी, ब्लूटूथ वर्जन 5.1, 3.5 mm ऑडियो जैक, वाईफाई हॉटस्पॉट एंड ड्यूल स्पीकर्स। तो यहाँ पे सिम एंड कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स ऑलमोस्ट सेम है। आगे बढ़ते और देखते हैं दोनों ही मोबाइल्स के अदर डिटेल्स। रियलमी नार्जो 50 प्रो और रेडमी नोट 11 प्रो प्लस ये दोनों ही 5G मोबाइल्स है, और दोनों ही मोबाइल्स में ऑलमोस्ट हमें सारे सेंसर सेम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक है, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, गायरो सेंसर। बस रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में हमें मैग्नेटिक इंडक्शन अलग से सेंसर मिल जाता है, वहीं पे रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में हमें आयर ब्लास्टर सेंसर अलग से मिल जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कैमरा डिटेल्स। रियलमी नार्जो 50 प्रो 5G में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल सुपर वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस, एंड फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G में भी हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस, एंड फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा इज अ प्लस प्लस पॉइंट फॉर रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स अब मैंने आपको बता दिए है। अब देखते हैं दोनों ही मोबाइल्स के कॉमन फीचर्स क्या क्या है। 5G FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 5000 mAh बैटरी, हाइब्रिड सिम स्लॉट, पंच होल डिस्प्ले, USB टाइप सी, 3.5 mm ऑडियो जैक, वाईफाई हॉटस्पॉट, ड्यूल स्पीकर्स एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। ये तो थे दोनों ही मोबाइल्स के कॉमन फीचर्स। अब देखते हैं दोनों मोबाइल्स के प्राइसेस।
तो प्राइसोमीटर फटाफट से हमें दोनों ही मोबाइल्स के स्टार्टिंग प्राइसेस बता दीजिए। ये देखिए दोनों ही मोबाइल्स के स्टार्टिंग प्राइसेस अब हमारे स्क्रीन पे है। Realme Narzo 50 Pro 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 21,999, जिसका रैम वर्जन है 6GB 128GB। ऑन दी अदर हैंड Redmi Note 11 Pro Plus 5G का स्टार्टिंग प्राइस है 20,999, जिसका रैम वर्जन है 6GB 128GB। सेकेंड वर्जन ऑफ Realme Narzo 50 Pro Plus 5G का प्राइस है 23,999, जिसका रैम वर्जन है 8GB 128GB। और सेकेंड वर्जन ऑफ Redmi Note 11 Pro Plus 5G जो कि 8GB 128GB का है, उसका प्राइस है 22,999। Realme Narzo 50 Pro 5G में हमें थर्ड रैम वर्जन प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन Redmi Note 11 Pro Plus 5G का थर्ड वर्जन जो कि 8GB 256GB रैम का है, उसका प्राइस है 24,999। इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। Realme Narzo 50 Pro 5G में हमें 2.5 GHz प्रोसेसर, MediaTek Dimensity 925G एंड Android 12, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू Redmi Note 11 Pro Plus 5G। और Redmi Note 11 Pro Plus 5G में हमें 6.67 इंच बिग डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 67 वॉट टर्बो चार्जर, IR ब्लास्टर, 1200 निट्स ब्राइटनेस एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू Realme Narzo 50 Pro 5G। नाउ फाइनल वेडिक्ट। वैसे देखा जाए तो दोनों ही मोबाइल्स अपनी अपनी जगह पे अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेहतर है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो Realme Narzo 50 Pro 5G थोड़ा आगे है एज कम्पेयर टू Redmi Note 11 Pro Plus 5G। लेकिन बात करें फोटोग्राफी की एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो Redmi Note 11 Pro Plus 5G अपने प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू Realme Narzo 50 Pro 5G। तो अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए कोई मोबाइल परचेस करना चाहते हैं और आपका बजट 20,000 प्लस है, तो आप Realme Narzo 50 Pro 5G के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरी राय माने तो आप Redmi Note 11 Pro Plus 5G के साथ चले जाइए, बिकॉज ये एक वैल्यू फॉर मनी मोबाइल है और इसका भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, साथ ही साथ आपका फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल का होगा इफ यू परचेस Redmi Note 11 Pro Plus 5G। ये तो मेरी राय इन दोनों ही मोबाइल्स के बारे में। आपको क्या लगता है कौन सा वाला मोबाइल अच्छा है और क्यों है, ये कमेंट करके बताना मत भूलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मोबाइल कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, टेक इन्फोजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो हंसते रहिए, मिलते रहिए अपनों के साथ, टाइम बिताते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।